अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD में हूँ हारिस अली शाह गिलानी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा मानावाला के इलाके RHC अस्पताल में एक और हवा की बेटी को हिरासा करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर डॉक्टर वकास ने अपनी साथी लेडी डॉक्टर को हिरासा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं ताहिर खान की इस रिपोर्ट में। हॉस्पिटल में जो है लेडी हॉस्पिटल ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर वकास जो है मतलब वो डॉक्टर के अच्छे इंसान नहीं है, वो हर तरीके से तंग करते हैं। ठीक है, वो उन्होंने मुझे कहा बाहर की मेडिसिन लिखने के लिए कहा, मैंने कहा मुझे अलाउ नहीं है, मैंने बाहर की मेडिसिन नहीं लिखनी। उसके बाद वो मेरे मुझे तंग करना शुरू हो गए, हर तरीके से उन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया। ठीक है, तो उसके अलावा गलत तरीके से भी वो मुझे तंग करते, लेकिन उसके तंग करने की वजह से मैं वापस ट्रांसफ़र करवा के अपने सेंटर RHC पर वापस आई। तो उन्होंने उधर के जो है ना इधर के SMO के ऑर्डर ले लिए। आपका मतलब क्या, आपको हरासा नहीं करते? हरासा करते थे ना हर तरीके से। तो अब उनसे हम लोग जान मतलब जिस तरह भी है उनसे बात करा, मैं अपने सेंटर पे वापस आ गई। लेकिन उन्होंने इधर के SMO के ऑर्डर मतलब करवा लिए या हुए जैसे भी उनका हुआ, लेकिन अभी उन्होंने इधर का चार्ज भी नहीं लिया। लेकिन वो मुझे यहाँ आकर तंग करना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे कि मेरा वाकई इसके साथ जो है मानावाला में मुझे बदनाम करना चाहते कि मेरे साथ वाकई इसके साथ कोई स्कैंडल है। वो आज 2 बजे डॉक्टर उसके साथ नदीम नायब कासद के साथ आया, वो इसकी इसके चाल में शामिल था। वो उसको उसके साथ लेबर रूम तक गया मेरे साथ, तो वो बाहर खड़ा रहा और डॉक्टर कासद ने कहा मैंने तुम्हारे से बात करनी है। मैंने कहा सर आप जो है बात सबके सामने करें जो भी करनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तुम्हारे से पर्सनल बात करनी है। उन्होंने दरवाज़ा दो मेरे साथ मिड वाइफ थी ठीक है, उनको उन्होंने बाहर निकाला। मैंने कहा सर आप इनको बाहर ना निकालें, तो लेकिन उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। फिर जो है आगे से वो दरवाज़ा बंद करने लगे, मैंने कहा सर आप दरवाज़ा बंद ना करें, तो लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके वो बदतमीजी मतलब दरवाज़ा बंद करके बदतमीजी करने लगे। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला, मैंने कहा सर जो बात करनी है आप मेरे साथ सामने करें। मतलब वो मतलब कि वो हर तरीके जिनसी तौर पर भी हरासा करना चाहते थे मुझे। इससे पहले भी कभी उन्होंने आपको? जी इससे पहले भी वो फक्तन फक्तन तंग करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने खुद को बड़े मुश्किल तरीके से महफूज रखा। और ये सारी बातें मैंने अपने घर में भी बताई ठीक है, और उन्होंने मतलब कि मैंने फिर अपना ट्रांसफ़र करवा के अपने सेंटर पे आ गया। हाँ जी प्राइवेट वाहिद थी और महंगी तरीन और एक ही जो स्टोर से मिलती थी, एक ही स्टोर से मिलती थी और इतनी महंगी, और वही मेडिसिन लिखने के लिए मुझे मजबूर करते थे। मैंने कहा मैंने इनकार किया कि सर मुझे अलाउ नहीं है मेडिसिन लिखने का, मेरे पास मेडिसिन का सारा रिकॉर्ड है जो मतलब इन्होंने मेरे से लिखवाते थे।